नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद का ऐलान भी कर दिया। उसमें बिलासपुर और खासकर छत्तीसगढ़ को खुशी तब मिली जब एक नाम टीवी चैनलों पर फ्लैश होने लगा कि बिलासपुर से तोखन साहू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इतना सुनते ही ना केवल प्रदेश बल्कि बिलासपुर भी उछलने लगा। आज तोखन साहू पहली बार बिलासपुर पहुंचे हैं। आज की भीड़, आज का स्वागत देखते बनता ही रहा। और खुशी क्यों न हो, क्योंकि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार कोई जमीन का नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है। आइए हम लोग भी स्वागत करते हैं तोखन साहू जी का, कि कैसा उनको एहसास हो रहा है इतना प्यार और पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान बनाने पर। साहू जी, आपका सीजीवाल परिवार स्वागत करता है। आपका भी स्वागत है और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं जब दिल्ली से रायपुर से जब बिलासपुर, बिलासपुर की अपार भीड़, आपको कैसा महसूस हुआ कि ये इतना प्यार आपको बिलासपुर करता है? जब कोई अपनों के बीच में आते हैं, बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, इनका अपार स्नेह देख करके, इनका अपार आशीर्वाद देख करके मन गदगद भी हुआ, मैं भावुक भी हुआ। हाँ, रेलवे स्टेशन में सवाल मैंने पूछा था और इतना प्यार मुझे जो मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, मन में भावुकता आना स्वाभाविक है। जी हाँ, जी हाँ। और ये बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है कि उन्होंने प्रचंड मतों से जिताया और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का सम्मान करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए हैं, तो ये मेरे लिए तो गौरव की बात है ही है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से मुझे बधाई संदेश आ रहे हैं कि आप माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होकर के पूरे प्रदेश को आपने गौरवान्वित किए हैं। तो मैं यही कहता हूं कि ये गौरव बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। मंत्री जी, एक बड़ा पब्लिक सवाल है, किस्मत किसे कहते हैं? किस्मत की परिभाषा आप बता सकते हैं, फिर मैं सवाल कर लूँगा। किस्मत आपकी नज़र में क्या है? चलिए मैं बता भी देता हूँ। तोखन साहू पहली बार विधायक बने, संसदीय सचिव बन गए, तोखन साहू पहली बार लोकसभा चुनाव जीते, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ गए। कई लोग तो छः छः बार, सात सात बार, कितनी बार बिलासपुर से गए लेकिन मंत्री नहीं बन पाए, क्या यही किस्मत है या इससे अलग भी आपकी कोई परिभाषा है? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारियाँ सौंपती है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मुझे जब भी जो जिम्मेदारियां दी गई, मैं पूरी निष्ठा के साथ करते रहा। और हम सब अपना कर्म करते हैं, कर्म करते रहना चाहिए, कर्म पर हम सब विश्वास करते हैं। और पार्टी के नेता, पार्टी के वरिष्ठ जन सब नज़र रखे रहते हैं कि किस कार्यकर्ता को वो कब कहाँ कैसे काम। पहली ही बार अटैक में आप वहाँ पहुँच गए और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, मोदी जी के मंत्रिपरिषद में, जैसे कि आप लोग कहते हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी के मंत्रिपरिषद में, कैसे काम चलेगा वहाँ पर आपका? कैसा अनुभव रहा मोदी जी से मिलने के बाद? देश के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जो देश को और देश के लिए पल पल खपाने वाले, देश के लिए जीने वाले, एक एक जनमानस की जिंदगी को व्यवस्थित रूप से कैसे चले इसकी चिंता करने वाले, गरीबों के सपनों को साकार करने वाले, माताओं बहनों के जीवन में कैसे खुशियाँ आए इसके लिए काम करने वाले, किसान खुशहाल हो उसके लिए काम करने वाले, यदि कोई दुनिया में नेता हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किए हैं। उनके साथ काम करने का जो सौभाग्य मिला है,
ये मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। जैसा कि आपने कहा, जी हाँ, कोई भी व्यक्ति हो, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का जो सौभाग्य मिला है, मैं यही कहूँगा कि बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का ही आशीर्वाद है कि मुझे वहाँ तक पहुँचा। 10 सीट पाने के बाद आपको राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री मज़ा नहीं आएगा क्या? हरियाणा से 5 लोग जीत के गए, 3 कैबिनेट मंत्री, 1 बिहार से 1 जीत के गए, 1 कैबिनेट मंत्री, लेकिन छत्तीसगढ़ में 10 सीट पाए हैं और राज्य मंत्री? कोई बात नहीं है, जो दायित्व तो मिला है, मंत्रालय छोटा है बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता है। क्या बात? कि हम काम कैसे करेंगे, काम कितना अच्छे ढंग से करेंगे, हम काम को कितना अच्छा ढंग से करके जनता को लाभ कितना अच्छे ढंग से पहुंचाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे, ये बड़ा होता है। आपको मालूम है कि आप बहुत, ऐसा नहीं है कि पद और कद के अनुसार बात की जाती है, आपसे वरिष्ठ नेता भी यहाँ बैठे हैं और जीत के भी गए हैं, और एक व्यक्ति को बिलासपुर तो बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उन नेताओं से कैसे सामंजस्य बनाएंगे? एक बृजमोहन अग्रवाल जी भी गए हैं वहाँ पर, विजय बघेल भी गए हैं वहाँ पर, और एक उन्हीं का समकक्ष, उनके जूनियर भी वहाँ पहुँचे हैं और वो मंत्री बन जाते हैं, कैसे सामंजस्य बनेगा इन वरिष्ठ नेताओं के साथ आपका? भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता सामंजस्य बना करके ही चलते हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, इसलिए हम लोगों के बीच में सामंजस्य बनाने में कोई तकलीफ होगा ही नहीं। रही बात माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के, तो माननीय डॉक्टर बन जी की सरकार में मैं 2013 से 18 संसदीय सचिव रह के काम किए, श्री अग्रवाल जी के साथ मैं संसदीय सचिव के रूप में मैं काम कर चुका हूँ, तो उनका अपार स्नेह प्यार मुझे मिलता रहा है, मैं बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ, सीखते रहा हूँ, और अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिल करके काम करना, उनके मार्गदर्शन में काम करना, उनसे सीख करके काम करना, निश्चित रूप से ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सवाल है, छत्तीसगढ़ को पहली बार शहरी विकास मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला, छत्तीसगढ़ को पहली बार ऐसा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है ये आपका मंत्रालय है, इस विभाग के मंत्री के रूप में आपके दिमाग में, तो केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के दिमाग में, छोटे बड़े शहरों के लिए क्या योजना है जिससे आपका कार्यकाल को लोग याद रखें भविष्य में? शहरी विकास मंत्रालय के रूप में सुव्यवस्थित सुनियोजित शहर का विकास ये समय की जरूरत बनेंगे जी, नए शहरों का विकास, मौजूदा सेवाओं का आधुनिकीकरण, आप विजन बता रहे हैं, ये दो विकास के मुख्य पक्षधर हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी विजन को लेकर के चल रही है, अनेक योजनाएं माननीय मोदी जी के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन 10 साल पहले की सरकार ने कभी नहीं सोचा कि हमारा शहर साफ सुथरा रहना चाहिए, लेकिन हमारी माननीय मोदी जी आए स्वच्छ भारत मिशन योजना के माध्यम से, आज आप देखेंगे कि शहरों में जो सफाई की व्यवस्था है, शहर में आज स्वच्छता की रैंकिंग चलती है, ये जागरूकता ही है, अमृत मिशन योजना के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था हो, स्मार्ट सिटी की कल्पना हो, आपका तो एक जो बड़ा शहर है बिलासपुर, मेट्रो कनेक्टिविटी की मामला हो, मेट्रो कनेक्टिविटी के मामले में हमारा देश दुनिया के अनेक देशों को पीछे छोड़ दिए हैं, दुनिया के अनेक देशों को, ये मोदी जी का विजन है। बिलासपुर में क्या आप मेट्रो कनेक्टिविटी के रूप में देखते हैं क्या? मैं पूरे भारत देश का बात कर रहा हूँ, बिलासपुर का शहर का विकास हो, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार हम दोनों मिलकर के काम करेंगे, और जब दोनों एक ही विचारधारा की यदि सरकार हो, एक ही दल की, जिसे आप डबल इंजन कहते हैं, तो इसका लाभ शहर को भी मिलेगा और नागरिक को भी मिलेगा। आपके लोकसभा क्षेत्र में दो बड़ी विसंगति है, एक बड़ा शहर है जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं, एक मुंगेली शहर है, जिला है, और
2013 के बाद उस जिले का विकास कुछ खास दिखाई नहीं देता। तो मैं कहता हूँ कि एक साथ आप महानगर भी पा रहे हैं और जिला भी पा रहे हैं, इन दोनों के समग्र विकास को लेकर आपके दिमाग में कुछ खाका है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने कहा कि सुव्यवस्थित सुनियोजित शहर का विकास समय की जरूरत बनेंगे, हम उसी विजन पर काम करेंगे। 100 दिन की हमारी कार्य योजना बनी हुई है, उसी कार्य योजना पर हम लोग काम करेंगे और मोदी की गारंटी में जो घोषणा पत्र में कहा गया है उस एक एक बिंदु को पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार पहले दिन से पहले घंटे से काम करना चालू कर दी है। हर ये मंत्री जी, एक हमेशा बात आती रहती है कि हर लोकसभा क्षेत्र के दौरान, चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। मैं आपसे परिणाम के बाद, मंत्री बनने के बाद जानना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शहरी विकास मंत्री बनने के बाद बिलासपुर के लिए क्या तोहफा होगा? कुछ तो सोचे होंगे, कुछ एक विजन होगा, जैसे स्मार्ट सिटी आया, उनका पुराना विजन है, ये तो बनेगा ही योजना है। कुछ ऐसी चीज जो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि कौन सी योजना आपके दिमाग में है बिलासपुर के लिए। पब्लिक की जो भी जन अपेक्षाएं हैं, जो भी, उससे पूरा करने का निरंतर प्रयास करना। अभी एक विषय जो आ रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जी हम इस भागम भाग आज की जो जिंदगी है, रश है, बहुत ज़्यादा रश है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। मेरा प्रयास है कि बहुत जल्दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई बस सेवा प्रारंभ करनी चाहिए। क्या बात, जो मैं बैठक में भी लिया हूँ तो इसके लिए अपना रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और भिलाई की शहरों में बहुत जल्दी ई बस सेवा प्रारंभ हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जल्दी उस पर काम हो, चार्जिंग वगैरह के लिए जी जो सिस्टम बनाए जाते हैं जी, और इसका लाभ आम जनता और हमारे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को मिले, बिलासपुर शहर के आसपास के गांवों को भी इसका लाभ मिले। इसके लिए अभी अभी तो मैं बन के आया हूँ। निश्चित नहीं, मैं आपका तो एक विजन सोचना चाहता हूँ कि बिलासपुर में हर सेक्टर पर मैं काम करूँगा, लेकिन ये मेरे दिमाग में है कि ये पहले बहुत जल्दी हो। सवाल है, एक राजनीतिक सवाल है कि आपके केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के पीछे भाजपा की अंदरूनी राजनीति को लेकर चर्चा है कि साहू समाज में एक किसान नेता को प्रतिनिधित्व देने के कारण हो सकते हैं। ऐसे में क्या प्रदेश की किसी अन्य नेता के मुकाबले आपको एक बड़े नेता के रूप में पेश किया जा रहा है? मैंने कहा कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जब भी मुझे जो जिम्मेदारियाँ दिए मैं पूरी निष्ठा के साथ मैं काम करते रहा, आगे भी मैं काम करते रहूँगा। कोई इसका क्या आकलन लगाते हैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता, बस मैं बिलासपुर की जनता का सेवक हूँ, सेवा करता हूँ। आप नहीं मानते कि मैं वरिष्ठ नेता बनने जा रहा हूँ या मुझे प्रोजेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। सवाल जो हमेशा आप दोहराते हैं जी, पुराने सांसद हमारे लखनलाल साहू जी जब सांसद बने थे तो उन्होंने मुंगेली रेल लाइन की बात की थी, पंचवर्षीय योजना गुजर गई। हमारे वर्तमान नगरीय निकाय मंत्री साहू जी जब लोकसभा मेंबर बने तो उन्होंने भी मुंगेली लोकसभा रेलवे लाइन की बात की थी, आपने भी किया है जी, और ये उसके पहले में मोहले जी ने भी कहा है जी। तो क्या ये इस बार सिर्फ वो भाषण ही होगा कि धरातल में उतरेगा भी? देखिए, लखनलाल जी ने जब कहा उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार के भी सपोर्ट किए नहीं नई परियोजना के लिए, अब डबल इंजन की सरकार है। ये आरोप है, केंद्र की योजना है, कांग्रेस सरकार क्या करती है? अब दोनों का शेयर रहता है इसमें, अपना शेयर ये दिए नहीं इसलिए परियोजना लटकी रही। अब डबल इंजन की सरकार है, मेरे भी मन में है, जनता के मन में है इस परियोजना पर काम हो और निश्चित रूप से काम होगा। ये मुंगेली परियोजना क्या आपके 5 साल के बीच में इस सामने आ जाएगी? इस परियोजना पर काम होगा, बजट में प्रावधान हो चुके हैं,
और इसका लाभ मुंगेली क्षेत्र की जनता को मिलेगा। और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा बजट पर आवंटन भी कर दिए गए हैं, केंद्र की सरकार के द्वारा भी बजट के आवंटन करके जो भी प्रक्रिया है प्रक्रिया में लाने का काम किया जाएगा। बलौदा बाजार घटना को आप किस नज़र से देख रहे हैं? हम बाबा गुरु घासीदास हम सबके आदर्श हैं। बाबा जी ने हम सबको समरसता का संदेश दिया, भाईचारा का संदेश दिया, दुनिया में छुआछूत की भावना को समाप्त करने का संदेश बाबा जी दिए हैं। हम सबको मिलकर के भाईचारा के साथ रहना चाहिए। ये जो घटना घटी है कांग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीति प्रतीत होता है। यदि समाज के लोग किसी बात को लेकर के मांग करने के लिए आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस के नेता वहाँ क्या कर रहे थे? क्या एक जन नेता नहीं जा सकता क्या? समाज का नेता तो समाज का होता नहीं, वो तो जनप्रतिनिधि होता है। समाज के लोग अगर बुलाएं तो जाएंगे, समाज जाएं, लेकिन वहाँ भड़काऊ बयान भड़काऊ भाषण यदि दे रहे थे तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीति है। बघेल जी आए थे, पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री, हार ये सवाल उनसे पूछा गया। हार से भूपेश बघेल जी राज्य में बुरी तरह से हारे, खुद चुनाव लड़े, हारे, और इस बौखलाहट से वो प्रदेश में इस तरह की घटना करा करके वो लोगों की दिमाग को भी लोगों जनता की को भ्रमित भी करना चाह रहे हैं। प्रदेश में इस तरह की घटना करा करके प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आप लगा रहे हैं कि भूपेश बघेल और उनकी पार्टी इस दंगा के पीछे है। भूपेश बघेल जी कल बिलासपुर में थे, उनका साफ कहना है टेंट किसने लगाया, भीड़ किसने लाया, खाना किसने बनाया, पुलिस जिसको गिरफ्तार करी उसका नाम किसने दिया, और सबसे बड़ी चीज इसके आयोजक कौन थे, सब तो भाजपा ही थे। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस दंगा को करवा के पोलराइज कर रही है। भूपेश बघेल के अनुसार भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी केवल ये मामला नहीं, हर मामले पर लोगों को भ्रमित करने के काम करते हैं। जैसे गंगा जल लेकर के उन्होंने कसम खाया, खाए थे कि नहीं खाए थे? जी हाँ। शराबबंदी करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1500 रुपया हमारी माताओं बहनों को पेंशन देंगे, कभी दिए क्या? जो गंगा जल को लेकर के झूठ बोल सकते हैं वो किसी भी मामले में झूठ बोल सकते हैं। कल आंदोलन है कांग्रेस का, उनका काम ही है, विपक्ष में है, आंदोलन करेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, झूठ बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए मंत्री तोखन साहू का ऐसा कुछ कहना है, स्पष्ट कहना है बलौदा बाजार मामले में भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं, उसके पीछे दरअसल कांग्रेस की ही राजनीति चल रही है। पोलराइज करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, कांग्रेस का काम है। बहरहाल तोखन साहू का कहना है कि मुंगेली प्रोजेक्ट इस बार जरूर हर हालत में वर्किंग में आ जाएगी, क्योंकि इस समय प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। साथ ही उनका यह भी दावा है कि बिलासपुर को शहरी मंत्रालय मिलने के बाद कुछ न कुछ बड़ा तोहफा जरूर मिलेगा। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।